पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिभा का उपयोग प्रदेश की छवि को मजबूत बनाने के लिए करें। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पहुंचने पर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 5988 मेधावी छात्र छात्राओं को उन्होंने उपाधि दी और डिग्री प्रदान कर 104 गोल्ड, 103 सिल्वर और 98 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 305 मेडल देकर मेधावियों को सम्मानित किया। तो वहीं बीते गुरुवार को संबल जिले के चंदौसी तहसील के एक कोल्ड स्टोरेज के हादसे में हुए घायल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में जाकर हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि संबल जिले में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है, बचाव कार्य जारी है। इस पूरे हादसे के दौरान अब तक 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिसमें 6 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर जा चुके हैं। कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 4 कर्मी ऐसे हैं जो TMU मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। अन्य घायलों को भी मेरठ रेफर किया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हुई है। सरकार ने मंडलायुक्त के निर्देश में एक कमेटी गठित की है, पूरे कारण की जांच करेगी और इस हादसे की किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल जनपद संभल के चंदौसी में एक दुखद हादसा हुआ है। वहां पर कल से ही हमारा रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF के साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। कोल्ड स्टोरेज में एक निर्माण कार्य के दौरान ये हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे के दौरान अब तक 11 लोग 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिनमें 6 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। 4 कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मी ऐसे हैं जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका यहाँ उपचार चल रहा है। एक अन्य घायल व्यक्ति को मेरठ रेफर किया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हुई है। सरकार ने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, उनको भी 50,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही जो कृषक हैं या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री उन मृतक परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू कार्य अभी चल रहा है, पूरा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जिला प्रशासन और मंडलायुक्त के स्तर पर वहां पर
सभी तथ्यों को सामने रख करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह उसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहली प्राथमिकता रेस्क्यू के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जीवित बचाने का है। अब तक 11 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 5 का उपचार चल रहा है, 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को भेजा जा चुका है। मैं यहां पर एडमिट उन 4 लोगों से भी मिला हूं जो यहां तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है, और एक मेरठ रेफर किए गए हैं। धन्यवाद जी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।